डियर स्टूडेंट माई सेल्फ अविलास मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल न्यू कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जानेंगे लेजर कंप्यूटर के में अंदर जो टैली होती है उसके अंदर लेजर्स कैसे बनाते हैं और लेजर क्या होते हैं। तो आइए हम थोड़ा लेजर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको लेजर्स बनाना कंप्यूटर के अंदर बताऊंगा। टैली में ग्रुप क्रिएट करने के बाद, जैसे हमने ग्रुप क्रिएट करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, उसके बाद हम लेजर ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम लेजर बनाने पड़ते हैं। लेजर मैन अकाउंट, मतलब ये मैन अकाउंट्स का मतलब है हमारे जो खाते होते हैं जो कि हम टैली में खोलते हैं, खाते टैली में खोलते हैं। मीडियम अकाउंट की भाषा में अगर इस्तेमाल करें तो लेजर क्रिएट करना भी कहते हैं। मतलब कि साफ शब्दों में यह कहा जाता है कि अकाउंट का मतलब खाता खोलने को हम लेजर बनाना कहते हैं। देखा जाए तो लेजर पर एक तरह का अकाउंट होता है जिसकी मदद से हम टैली में वाउचर एंट्री करते हैं। उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि टैली में एंट्री करने से पहले आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं। लेजर की मदद से ही हम टैली में एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज हम एंट्रियां नहीं कर सकते हैं। तो अब सबसे अब बात आती है मैं टैली को ओपन, तो टैली यहाँ पे मैंने मिनिमाइज कर रखी है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज ऐसे मैं करूंगा तो यहाँ पे मुझे सूट कंपनी पे क्रिएट करना होगा, उसके बाद मुझे क्रिएट कंपनी पे जाके एक कोई सी नाम की, मैं अभी नाम की अभिलाष नाम से ही एक कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो ये आप पूरी डिटेल करना मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, तो इंटरनेट से एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी बनाना हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बनाने के बाद ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं। लेजर बनाने के लिए आपको बताया अकाउंट रूपों में जाएंगे, हम लेजर पे जाके क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्मल में परचेज PURCHASE, परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो खरीदना जो है वो किसके परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट के अंदर मैं इसे कर दूंगा एंटर एक्सेप्ट। अब मुझे बैक जाने के लिए आपको बताया कि मैंने ESC पे जाके हम बैक कर सकते हैं, ESC से बैक मेन पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लेजर तो बनाना नॉर्मल मैंने आपको बता ही दिया, अब मैं बताता हूँ आपको मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं। मल्टीपल लेजर का मतलब क्या होता है कि जो हम नीचे वाले जो लेजर आ रहे हैं मल्टीपल लेजर, हम उसे कैसे बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट पे करना होगा, देखो अकाउंट पे वो लेजर लेयर के बाद मल्टीपल लेयर पे क्रिएट पे आके एंटर मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या है आपको ऑल आइटम पे सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ पे खरीद क्या कर रहे हो, सबसे पहले देखो फिक्स वर्ड का मतलब है फिक्स वर्ड आउटवर्ड जो है वो हमारा जो जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब इसे हमें इनडायरेक्ट खर्चे हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो गया। यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालूंगा, एंटर कर दूंगा। सेकंड में आगा मेरा फर्नीचर आ गया, तो सेकंड में मैंने क्या फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फर्नीचर को डाल देता हूँ। वो फर्नीचर जो हो गया मेरा, फर्नीचर ले लिए, तो फर्नीचर जो है हमारा जो जाएगा फिक्स असेस्ट में, क्योंकि वो संपत्ति, तो यहाँ पे मैं फिक्स असेस्ट डाल के एंटर कर दूंगा। दूसरा मेरा जो आ गया, अब मैं गैस वाटर खरीदता हूँ, कोई भी ग्रॉस वाटर है तो ग्रॉस वाटर जो आएगा मेरा, अब ये है मेरे, ये सेल्स अकाउंट में जाएगा, किसमें जाएगा, ये मेरे सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो ये मेरे यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा हाउस रेंट हो गया, हाउस रेंट ये भी किराया हो गया, तो यहाँ पे हाउस रेंट जो हो गया, तो ये मेरा जो हो गया ये कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं सीधा आके कैपिटल अकाउंट कर लूंगा, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में। तो ये तो थे हमारे मल्टी ग्रुप, मतलब इसमें क्या था कि इसमें बहुत अलग अलग ग्रुपों के जो थे हमने अकाउंट्स लेजर बनाए थे, तो हम वहां पे ये से कर सकते हैं। अगर मुझे वन ग्रुप का लेजर बनाना होगा तो हम वो भी कर सकते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे वन ग्रुप को बनाना है तो हम यहाँ पे अकाउंट इनपो तो आ ही रहा है ऑलरेडी आपको, देखो। तो यहाँ पे मल्टीपल जो लेजर जो है इसी पे हम क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें ऑल आइटम करने की जगह हमें किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं मान के चलो संदीप क्रिएटर का ही ले लेता हूँ, दोबारा संदीप क्रिएटर को मैं क्लिक करूंगा। संदीप क्रिएटर को जैसे मैं क्लिक करने के बाद मुझे क्या मेरी कैटेगरी चेंज, तो मैं यहाँ पे राम बना दिया, मैंने क्रिएटर आ गया। उसके बाद मैंने मोहन ले लिया, उसके बाद मैंने सोहन ले लिया,
उसके बाद मैंने रोहित ले लिया। तो ये सब क्या हुआ है, मेरे सनरी क्रेडिटर के अकाउंट बनते जाएंगे। तो एंटर एंटर मैंने एक्सेप्ट करा दूंगा, तो ये मेरे सारे बन के तैयार हो गए। अगर आपको लेजर देखने हैं तो आप डिस्प्ले पर जाके क्लिक कर दोगे, तो डिस्प्ले पर जाके आपने जो जो लेजर बनाए वो सारे आ जाएंगे। ये इसको बैक कर लो, यहाँ पे जैसे बैक करोगे अल्ट्रा पे आके आप चेक कर लाओगे कौन कौन से आपने बनाए हैं, अगर आपको कोई भी कमी है कोई भी लगे खराब है। अब मैं बताता हूँ हाउ टू अल्टर एंड एडिटिंग इन लेजर इन टैली। टैली में अगर हमें किसी भी लेजर में अगर हमें एडिटिंग करनी होती तो हम कैसे करेंगे, तो मुझे यहाँ पर अल्टर पे आके क्लिक करूंगा। मैं जैसे अल्टर पे जाऊंगा, अगर मुझे परचेस वाले लेयर में ही करना है तो देखो मुझे सबसे पहले मुझे अल्टर पे जाता हूँ मैं, परचेस वाले पे अल्टर करूंगा। यहाँ पे देखो ये लेजर आ गए सारी, क्या परचेस का ले लो चाहिए परचेस का ही आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा मान को मुझे परचेस वाला सेल्स में करना है, तो मैं यहाँ पे एस दबा दूंगा। देखो अगर मेरा अगर मिस्टेक हो जाती है तो सेल्स में हो गया। अब मैं इसे एक्सेप्ट कराऊंगा, दोबारा खोलूंगा तो देखो सेल्स में हो गया, तो मुझे इसको परचेस को परचेस में रहना। तो ये इसमें होती है एडिटिंग, और ये हमें एडिटिंग हम कहाँ पे ऐड करेंगे, मुझे एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग आपको पता है कि अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, बैक वहीं पर लेजर में जाएंगे, लेजर के बाद जाके अल्टर पर जाके, अल्टर पर जिस भी आपको लेजर में एडिटिंग करनी है उस लेजर को आप खोलोगे, फर्नीचर फिक्स असिस्ट में आ रहा है तो इसको खोल के यहाँ इसकी जगह कोई और डालोगे, उसके बाद इंटरनेट एक्सेप्ट करा दोगे तो ये आपकी हो जाएगी। ये तो सही रही आपकी एडिटिंग करना। अब रही आपको मैं बताता हूँ हाउ टू डिलीट इन लेजर इन टैली। अगर आपका टैली में कोई भी लेजर आपको बनाना है अगर आपको वो गलत हो गया, तो जैसे कि आप मान के लो मुझे सोहन वाले लेजर को डिलीट करना है, तो मैं इसे एंटर मारूंगा, एंटर मार के खुल गया, तो मैं यहाँ पे अल्ट के साथ डी दबाऊंगा तो ये मेरा लेजर यहाँ से डिलीट हो जाएगा, हो गया सोहन नाम का। तो ये आपका रहे, आपको इसी के साथ आपको देखना होगा कि मेरा कौन सी चीज किस में आती है। जनरल एक्सपेंस जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जनरल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो उसमें आएगा, गो डाउन रेंट जो आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो ये लेजर होते हैं, किसका लेजर किस में आते हैं वो आपको लिस्ट को देखना होगा। और अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दें, तो मैं जो भी लिस्ट है मैं उसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।